हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव में कैंप लगाकर कोविड जांच कार्य किया शुरू। कोरोना महाकाल में भाजपा जिला अध्यक्ष साधुराम मेघवाल ने एक बार फिर से आगे आते हुए अपने निजी खर्च से एक सुसज्जित ऑक्सीजन वैन, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेट एवं वातानुकूलित एम्बुलेंस में 4 इमरजेंसी बेड की भी व्यवस्था है, जो किसी भी परिस्थिति में तत्काल मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट प्रदान करते हुए कोविड सेंटर अथवा अस्पताल पहुंचने में कारगर साबित होगी। ये चलित एम्बुलेंस एक अस्पताल का कार्य करते हुए हर पंचायत मुख्यालय पर जाकर निशुल्क जांच कैंप लग जाएगी एवं संदर्भ मरीजों की कोविड 19 की जांच भी वहीं की जाएगी। इसी को लेकर आज एम्बुलेंस सुविधा कैंप आंटिया एवं जूना लखवारा ग्राम पंचायत पर आयोजित किया गया एवं कई मरीजों ऑक्सीजन लेवल, बीपी जांच एवं अन्य संदिग्ध मरीजों की स्लाइड के माध्यम से जांच कार्य किया गया, जो सभी नेगेटिव रहे। चौटन तहसीलदार गणेशा राम ने जूना लखवारा में चल रहे कैंप का निरीक्षण कर भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा की गई इस पहल का स्वागत किया एवं भाजपा वॉलंटियर्स एवं एलटी उदाराम का आभार प्रकट किया एवं बताया कि इस कोरोना काल में अगर इस प्रकार के गांव में कैंप लगाए जाए तो निश्चित रूप से शहर के ऊपर लोड को कम किया जा सकता है। इस कैंप में वेंटिलेटर के रूप में भाजपा जिला आईटी संयोजक दिनेश बिशोई, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़, धर्माराम धतरवाल, सतीश भील, एलटी उदाराम सहित स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। भाजपा जिला आईटी संयोजक दिनेश विशोई ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इस प्रकार के शिविर आयोजित कर सैनिटाइजर, मास्क, प्राथमिक उपचार किट एवं मेडिकल कैंप में जांच कार्य जारी रहेगा। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों में आत्मविश्वास लौटाएं। किसी भी बीमारी को आधा आत्मविश्वास से जीता जा सकता है, शेष कार्य दवाइयां करती है। हम सब मिलकर कोरोना को हराएं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।